हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपसे रिव्यू करूंगा एक थ्रोटल लॉक के बारे में। तो ये थ्रोटल लॉक आईजेट टोस कंपनी का है, तो चलिए सबसे पहले इसको खोल लेता हूं मैं। तो गाइस, बॉक्स के अंदर आपको एक थ्रोटल लॉक मिलता है जो कि प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, और इसके साथ ही आपको जो है तीन चाबियां मिलती है। तो बहुत हैवी मतलब मेटल की बनी हुई है ये चाबियां। तो इस टाइप से आपको ये बॉक्स में एक कंटेंट मिलता है, यहाँ पर लिखा है थ्रोटल लॉक। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करेगा। तो गाइस, बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, मतलब हैवी प्लास्टिक का यूज़ किया गया है इसमें, तो इजीली ये जो है खुलने वाला नहीं है। आपके आंखों के सामने कोई इसको खोल नहीं सकता, और चाबी लगा के आप इसको जो है इस प्रकार से खोल सकते हो। और आपको यहाँ पर जो है दो एक्स्ट्रा जो है रबर मिल जाती हैं थ्रोटल को लगाने के लिए। तो फिलहाल इसका यूज़ अभी मैं नहीं करूँगा। तो गाइस, ग्रिप साइज को आप 27 से लेकर 38 mm तक जो है एडजस्ट कर सकते हैं इससे। तो गाइस, आपकी कोई सी बाइक हो तो इसमें ये आसानी से ये लग जाएगा। तो इसको जो है लगाने के लिए की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जस्ट ऐसे आपको इसमें पुश करना है तो ये लग जाएगा लॉक। और इसको खोलने के लिए की ज़रूरत जो है ऐसे पड़ती है, तो इस तरह से आपको घुमाना है और इसको जो है खोल लेना है। तो चलिए अब मैं आपको बाइक में लगा के दिखाता हूँ। तो इसको लगाना जो है काफ़ी सिंपल होता है। इसको पहले मैं खोल लूँगा, और खोलने के बाद चाबी को मैं साइड पे कर देता हूँ क्योंकि लॉक करने के लिए चाबी की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको जो है थ्रोटल में लगाना है इसको, और लीवर को अंदर की साइड पुश करना है, और यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक आप जो है एडजस्ट कर लोगे इसको, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको पुश कर देना है इस लॉक को। तो अभी ये लॉक हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्रोटल भी नहीं घूमेगा और लीवर भी एकदम से जो है टाइट हो चुका है। तो अगर आपकी डिस्क बाइक है जहाँ दूसरी वाली भी है तो आप इसका जो यूज़ कर सकते हैं। तो ये कितना अच्छा रहेगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल जहाँ पर अभी ये लग चुका है, अब इसको खोलना होगा, तो इसे जो है आप चाबी से खोल सकते हो आसानी से। तो चाबी को क्लॉकवाइज घुमा के आप जो है इसको खोल सकते हो। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इसको। तो जस्ट आपको जो है थ्रोटल पे इस प्रकार से लगाना है, और लीवर को अंदर की साइड पुश करना है, उसके बाद ये लॉक को जो है ऐसे प्रेस कर देना तो ये लॉक हो जाएगा, और अनलॉक करने के लिए क्लॉकवाइज चाबी को घुमाना है, ये अनलॉक हो जाएगा। तो अगर आप कहीं पार्किंग पे ऐसे बाइक खड़ी करते हो तो ये लॉक जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। तो लेकिन अभी ये पूरा मैं आपको बता देता हूँ कि कितने काम का है। तो अगर आप सोच रहे हो कि इससे आपकी बाइक की पूरी सिक्योरिटी होती है, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कोई भी लॉक हो, कोई भी जैसे डिस्क वाला लॉक आता है या ये वाला लॉक आता है, कोई भी लॉक जो है आपकी बाइक की जो है प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं कर सकता। तो वैसे डिस्क वाले लॉक तो आपको पता है कैसे आते हैं, मतलब एक चोट मारने की जरूरत होती है। काफ़ी ऐसे लॉक हैं जो आसानी से टूट जाते हैं, और कुछ लॉक हैं जो अच्छे वाले हैं जो इतनी आसानी से नहीं टूटते। तो गाइस, लेकिन फिर भी ये जो है आरी ब्लेड की मदद से आसानी से इसको जो है कोई भी तोड़ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें प्लास्टिक का बना हुआ है तो आसानी से ये खुल सकता है। और गाइस, थीफ्ट के पास अगर कुछ कट करने के लिए जुगाड़ होगा तो वो वायर को कट करके अपना जो है काम चला सकता है। तो ये इतना सिक्योर कुछ नहीं होता लोग, आप कोई सा भी ले लो इतना सिक्योर नहीं होता बाइक के लिए। लेकिन गाइस, अगर आप अपनी बाइक जो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए कहीं खड़ी करते हो जैसे पार्क वगैरह में, तो उसके लिए अच्छा लॉक है। तो गाइस, मेरा सजेशन ये है कि अगर आप ऐसा लॉक कोई भी यूज़ करते हो तो उसके साथ जो है आपकी बाइक में एंटी थीफ्ट अलार्म जो है लगा होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी का कोई लॉक जो है ऐसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो एंटी थीफ्ट जो अलार्म है आपको जो है ऐसे बचा सकता है, तो आपकी बाइक उस हिसाब से जो है टोटल सिक्योर हो सकती है। तो आपका क्या सजेशन है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। तो कैसे भी बात करते हैं इसके प्राइस की, तो प्राइस का जो है $12 के आसपास है। तो अगर आपको ये चाहिए तो लिंक मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको जो है परचेज कर सकते हैं। तो कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे को कुछ नया लगा, तो इसलिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।